प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश भर में करीब 1 लाख करोड़ की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के साथ साथ द्वारिका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में से झारखंड के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं। उद्घाटन समारोह से रांची से भी लोग ऑनलाइन जुड़े। मौके पर मौजूद रांची के सांसद संजय सेठ ने इसे केंद्र की तरफ से पीएम मोदी का भेंट बताया। में भी जो रिंग रोड है उसका भी उद्घाटन हुआ। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिंग रोड के लिए 5,000 करोड़ रुपए, तभी तो देश बोलता है मोदी है तो मुमकिन। और ये मोदी की गारंटी है कि जिस पहले आज से 10 साल पहले देश में सिर्फ 12 किलोमीटर रोज सड़क बनती थी, आज देख लो उसके तिगुनी सड़क बन रही है। और इतने बढ़िया हाईवेज, इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर पुलिया, ये तो मोदी जी का जो विजन है, तभी दुनिया मुरीद है। दुनिया के एक डेवलपमेंट के आइकॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, और झारखंड हमेशा प्रधानमंत्री जी के दिल में है। और झारखंड जहां दिल में है, प्रधानमंत्री के दिल में एक छोटे से हिस्से में रांची लोकसभा भी है। रांची लोकसभा को आप देखो, रेलवे में 1 साल में 2400 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, झारखंड को इतना दिया, रांची को इतना दिया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश भर में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज झारखंड राज्य के लगभग 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है, जिसकी लागत लगभग 1700 करोड़ रुपए है, जो आज प्रधानमंत्री जी इनके द्वारा किया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है। और जिसमें से 8 में से 6 परियोजनाओं का तो उद्घाटन है और 2 का शिलान्यास है। और शिलान्यास की जो लंबाई है, लगभग 2 परियोजनाओं की लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है और लागत लगभग 740 करोड़ के आसपास है। क्या फ़ायदा होगा इसके बन जाने? देखिए, सड़कें बन जाने से जो है, सड़कें तो हमारे विकास की मूलभूत सेवाएं होती हैं। बगैर सड़कों के तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी के बगैर जो है कोई भी विकास आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया है कि सबसे पहले जो है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले सड़कों का डेवलपमेंट किया जाए। सड़कें कनेक्टिविटी होंगी तो उसकी वजह से सभी फ्यूल कास्ट बचेगी, लोगों को सहूलियत मिल जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएंगी जो है, इसलिए लोगों की, किसानों की फसलें जो है सही दाम पे, सही टाइम पे मंडियों में पहुँच जाएंगी। सभी पूरे देश के हित के लिए ये सड़कों का डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है।